ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डिफरेंशियल और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो हमने डिफ्यूजन पढ़ा था उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, और जब इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है कुछ ही सब्सटेंस को जो मूव करने दे अपने अंदर से। डिफरेंशियली का भी मतलब यही है कि अलग अलग मोलिकुल से करती है, अलग अलग बिहेव करती है, किसी को पास होने देती है अपने अंदर से, किसी को नहीं होने देती। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्ला जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, जितने भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो सेल्स हैं उनमें पाई जाती हैं, कवरिंग का काम करती हैं। फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाइयर केमिकल पोटेंशियल, मतलब इसके हाइयर केमिकल पोटेंशियल से, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीचड, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, एक जैसी कंसंट्रेशन दोनों साइड में नहीं आ जाती, तब तक ये वाटर है वो मूव करता रहता है, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल स्टोनोप्लास्ट, तो किसके जरिए होता है ये, ज्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं और जो टोनोप्लास्ट वैक्यूल होता है, जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है, प्लांट्स में काफी बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी काफी ऑस्मोसिस है वो देखने को मिलती है। ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स, जो ऑस्मोसिस है वो लगातार अपने आप होने वाली प्रोसेस है, और इन रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो एक पोटेंशियल बनता है अलग अलग, तो उसी की वजह से ही जो ऑस्मोसिस है वो करवाई जाती है। ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन, जो इसकी डायरेक्शन है और जो इसका रेट है, स्पीड है, वह कितनी फास्ट ऑस्मोसिस हो रही है, कितना जल्दी जल्दी वाटर मूव कर रहा है, तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है कितनी कम ज़्यादा है, एक साइड में जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरे साइड में बहुत कम है, तो ऑस्मोसिस बहुत फास्ट होगी। यदि डिफरेंस कम है तो ऑस्मोसिस आराम आराम से होती है, और प्रेशर यदि ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो उससे भी जो ऑस्मोसिस है वो फास्ट होती है। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम के अंदर जब दोनों अलग अलग पोर्शन से बीच में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड किए गए हैं दो चैम्बर्स, तो उनके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है दोनों साइड का वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम आ जाता है, मोमेंट है जो पार्टिकल वाटर की, वो ओवरऑल नेट मोमेंट है वो नहीं होती है वहाँ पे। वैसे तो मोमेंट तो चलती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, लेकिन नेट मोमेंट है मतलब जो कंप्लीट, यदि मोमेंट देखें, पहले पार्टिकल दोनों साइड में 10-10 थे तो बाद में भी 10-10 ही मिलेंगे, 10-10 ही मिलेंगे वो। पोटैटो ऑस्मोमीटर, तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब के अंदर ऑस्मोसिस को समझने के लिए। इसके अंदर एक पोटैटो कैविटी है वो तैयार की जाती है, आलू में से निकाली जाती है, कप जैसी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके बारे में, और उसको वाटर में रखा जाता है, और इस कैविटी के अंदर है शुगर सॉल्यूशन डालेंगे हम, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, और इसमें क्या देखेंगे फिर, कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कैविटी के अंदर जो डाला था उसका जो लेवल है कुछ टाइम के बाद है वो बढ़ा हुआ मिलता है, वो किस चीज़ की वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो इसको हम पिक से समझते हैं, जैसे जो एक पोटैटो है उसको काटा जाता है, और उसके अंदर से कट द बॉटम सेक्शन, मतलब साइड वाले सेक्शन काटे जाते हैं, टॉप वाला बॉटम सेक्शन काटे जाते हैं, उसके बाद एक कैविटी निकाल दी जाती है, इसमें से एक खाली जगह बना दी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि कोई वाल वगैरह है जो इस कैविटी की वो ब्रेक ना हो, नीचे वाला पोर्शन भी कोई उसमें ब्रेक ना हो, क्योंकि यदि ब्रेकिंग आएगी तो वाटर है वो डायरेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाता है, हमने डायरेक्ट एंटर नहीं करवाना है वो, हमने कुछ ना कुछ पोटैटो पोर्शन उसका बिल्कुल सेफ रखना है, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करेगा। उसके बाद इसको एक बिकर में रख लेंगे, और बिकर या फिर किसी पैट्री डिश में, और उसके अंदर वाटर डाल देंगे, ब्लू कलर का पोर्शन जो आपको वाटर दिखाई दे रहा है, और पोटैटो कैविटी के अंदर है वो शुगर सॉल्यूशन है वो हम ऐड करते हैं। तो जो रियल पोटैटो कैविटी है वो इस तरीके से तैयार की जाती है, बिकर के अंदर इसको रखा हुआ है, और जिसके अंदर जो लिक्विड दिखाई दे रहा है वो शुगर सॉल्यूशन है, और एक पिन लगा रखी है ये देखने के लिए कि भाई पानी का लेवल शुरुआत में कैसा था, कहाँ तक था, और बाद में जब जो वाटर का लेवल बढ़ा तो हम उस चीज़ को देख पाए। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो पोटैटो कैविटी है वो अपर व्यू आप देख सकते हो, पिन लगा रखी है इसमें वाटर के लेवल को देखने के लिए, वे कितना लेवल हमने वाटर का इसमें यूज किया है। और उसके बाद बिफोर ऑस्मोसिस और आफ्टर ऑस्मोसिस में हम पिक देख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस से पहले है वाटर का लेवल पोटैटो कैविटी में, जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो कम है, लेकिन बाद में लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है, और जो पिन हैं वो दो यहाँ पे हैं, यहाँ पे सिंगल पिन है, दूसरी पिन क्या शो करती है कि वाटर का लेवल कितना बड़ा है, तो हम यहाँ से पिनों के बीच में डिस्टेंस से पता कर सकते हैं। आगे है ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, तो इसके अंदर ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम देख सकते हैं, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर टेकन इन ए फनल,
इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन ए बीकर। एक बीकर लेंगे, उसमें प्योर वाटर लेंगे और एक फनल है, फनल के अंदर हम एक जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है वो फिल कर लेते हैं, और इसका जो माउथ है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड कर लेते हैं, जो कि ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे एग मेम्ब्रेन। और एग मेम्ब्रेन को कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे जो एग योक है और जो एल्बुमिन है उसको पहले बाहर निकाला जाता है अंडे से, क्या करके एक स्मॉल होल है एक साइड में, होल करके उस पोर्शन को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी एक खोल बचा है, जो सेल बचा है, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, और जिसके अंदर क्या होएगा, जो सेल है वो डिजोल्व होती चली जाती है और लास्ट में जो मेम्ब्रेन है हमारी वो बची रह जाती है। तो उसी मेम्ब्रेन को हम इस फनल के माउथ पे बांध देते हैं, जो कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। तो वाटर विल मूव इनटू द फनल राइजिंग द लेवल ऑफ, और इसमें क्या होएगा, जो प्योर वाटर है वहां से जो वाटर है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में एंटर करना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर जो लेवल है, जैसे स्टार्टिंग में लेवल, इनिशियल लेवल ऑफ सॉल्यूशन ये है, और बाद में जो लेवल है फनल के अंदर वो राइज होता हुआ चला जाएगा। दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम है वो अटेन नहीं कर लिया जाता, मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों साइड में, फनल के अंदर भी और फनल के जो बाहर बीकर है उसके अंदर बराबर नहीं हो जाता। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फॉर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इन टू द फनल थ्रू मेम्ब्रेन। तो बाहर से जब हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे लगाते हैं, ताकि जो इस फनल के माउथ के ऊपर जो बाहर से प्रेशर लगाया जाता है, ताकि जो वाटर है वो ना एंटर कर पाए इस फनल में से, मतलब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें से, तो जो लेवल है वाटर का वो वहीं पे भी हम रख सकते हैं जो इनिशियल लेवल था। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस एंड इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसेंट्रेशन। जो हमने बाहर से प्रेशर लगाया है किसके लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और ये सोल्यूट कंसेंट्रेशन का ही फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब जितनी ज्यादा हम सोल्यूट कंसेंट्रेशन लेंगे उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा मिलेगा। मोर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, जितनी ज्यादा सोल्यूट कंसेंट्रेशन उतना ही ग्रेटर द ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर ये अलग अलग होते हैं। प्रेशर जो बाहर से लगाया जाता है, पोटेंशियल जो सॉल्यूशन का खुद का होता है, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट यूज किए जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर वो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो बाहर से हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और जबकि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, जो सॉल्यूशन के द्वारा अप्लाई किया जाता है ज्यादा ज्यादा लेवल को, जो ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है, और हम ऊपर से जो प्रेशर लगा के इसको रोकना चाह रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जो ये ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं उसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो उसके बाद हम ऑस्मोसिस को यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लाज्मा में, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर क्या होएगा, जो वाटर है इस साइड से, वाटर मॉलिक्यूल है वो इस साइड में एंटर करते रहते हैं, और एंटर करेंगे तो इस साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और यदि हम बाहर से यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है, मतलब जो ये ऑस्मोसिस है वो नहीं होती है। इसमें 25 वाटर के मॉलिक्यूल ले रखे हैं स्टार्ट में, हम देख सकते हैं यहाँ पे 32, और यहाँ पे 18 वाटर मॉलिक्यूल है, और जब बाद में 25 रह जाते हैं, और इसके अंदर जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड में एंटर कर जाते हैं, तो यही ऑस्मोसिस होता है। उसके बाद ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं, इसमें हमने दो चैम्बर ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग रहेगी यहाँ पे, जो कि एनसीईआरटी से ले रखी है, जो चैम्बर ए और चैम्बर बी है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखे हैं, और इन चैम्बर्स को हम देख सकते हैं, एक चैम्बर में जो सोल्यूट कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, उसके पार्टिकल ज्यादा है, एक साइड में जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो कम है। तो यदि सोल्यूशन के बेस पे बात करें तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है इस साइड में, इस साइड में डायल्यूट सोल्यूशन है। और इसमें पूछ रखा है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, तो जिसके अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट जो मॉलिक्यूल कम है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और जबकि जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल है वो है कम, तो बी वाले का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है यहाँ पे। उसके बाद है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लो सोल्यूट पोटेंशियल, तो किस चैम्बर का है जो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल है, सोल्यूट पोटेंशियल जिसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल कम है, तो वो ए के अंदर है जो सोल्यूट पोटेंशियल कम है। उसके बाद है इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी, तो वह हम देख सकते हैं जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। अब सोल्यूट पोटेंशियल जहाँ पे कम है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल है ज्यादा, जिसकी वजह से हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट रहेगी,
जिसके अंदर हम बोल सकते हैं ए से बी चैम्बर की तरफ है ऑस्मोसिस होती है। विच सोल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल, तो सोल्यूट पोटेंशियल बी का ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम के ऊपर तो दोनों के वाटर पोटेंशियल वो इक्वल हो जाते हैं, किसी का कम या ज्यादा नहीं मिलेगा, बोथ आर इक्वल हम लिख सकते हैं। इफ वन चैम्बर हैज, जो साई की जो वैल्यू है पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस 2000 किलो पास्कल है, और जबकि दूसरे की जो है वो 1000 किलो पास्कल है, तो एक की माइनस में वैल्यू एक की प्लस में है, और जो प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं विच चैम्बर दैट हैज हायर साई, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल मतलब किसका रहेगा ज्यादा, तो हमने ये देखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है उतना ही ज्यादा उसका वाटर पोटेंशियल मिलेगा, तो जो 1000 किलो पास्कल वैल्यू है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उस चैम्बर का जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज्यादा मिलेगा। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद साई जिसका वाटर पोटेंशियल 0.2 मेगा पास्कल है और एक का 0.1 मेगा पास्कल है, आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो जिसका ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू किसकी है 0.2 मेगा पास्कल वाले की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां से जो वाटर है वो 0.1 की तरफ है वो मूव करता है।